हेलो वेलकम दोस्तों। सो आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा के V4 असेसमेंट के बारे में। सो जैसा कि आपको टेक में पता है, टेक महिंद्रा का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए हैं। उन्हें टेक महिंद्रा के नेक्स्ट राउंड का असेसमेंट, जो कि आपको साइकोमेट्रिक है, उसका असेसमेंट का भी लिंक आ चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट को V4 असेसमेंट का भी लिंक आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि टेक महिंद्रा का ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, ये किस तरह का टेस्ट है। मैंने इससे पहले वीडियोस बना रखे हैं। आप वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे आप मेरे इस पे जाके वीडियोस के लिस्ट में आपके आप साइकोमेट्रिक टेस्ट का लाइव वीडियोस देख सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ है। चलिए अब हम लोग इस वीडियोज़ में आप बात कर लेते हैं V4 असेसमेंट के बारे में। जब साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर इट विल स्टार्ट V4 असेसमेंट। इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे V4 असेसमेंट में क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और V4 असेसमेंट में क्या क्या रहेगा, तो सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस है लेके कि ये कोडिंग राउंड होगा या फिर ये एलिमिनेशन है या नहीं है, मतलब कि V4 असेसमेंट के बाद आपका V4 असेसमेंट में आप एलिमिनेशन हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, V4 असेसमेंट के बाद क्या होगा, आपको V4 असेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, या कोडिंग असेसमेंट जो आएगा कैसे तैयारी करनी है, हम लोग इस वीडियोस में कम्प्लीटली इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियोज़ बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा हुआ ईमेल आया हुआ है टेक महिंद्रा की तरफ से। ये ईमेल है आपको V4 असेसमेंट के लिए। जब आप फर्स्ट राउंड का असेसमेंट क्लियर कर लेते हो, तब आपको V4 असेसमेंट एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट के लिए ईमेल आ जाता है। दोनों असेसमेंट आपको एक दो दिन के इंटरवल में देना होता है। तो हम लोग इस वीडियोज़ में देखते हैं। तो अगर आप देखोगे इस मेल बॉडी में तो लिखा हुआ, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू टेक द असेसमेंट टेक महिंद्रा फ्रेशर्स असेसमेंट V4। सो ये V4 असेसमेंट है टेक महिंद्रा का। इसका ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो ये 1 आवर का है ओनली। इस असेसमेंट की ड्यूरेशन ओनली 1 आवर है। इस असेसमेंट के क्लियर करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी कि इस असेसमेंट के बाद का नेक्स्ट असेसमेंट क्या है। दोस्तों, अगर आपका V4 असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर हो जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, देन आप TCS टेक महिंद्रा में आपको ज्वाइन करने के लिए बाकी फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, देन आपको ज्वाइनिंग टेक महिंद्रा में हो जाएगी। फर्स्ट आपको ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद एज ए आप एम्प्लॉय टेक महिंद्रा में हो जाओगे। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियोस में नेक्स्ट बात करेंगे कि V4 असेसमेंट के पैटर्न्स के बारे में, कि इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे बात करते हैं। तो उससे पहले आप देख लेते हैं कि इज़ दिस कोडिंग राउंड, इस क्वेश्चंस का जवाब देते हैं आपको। ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था। तो जी हाँ, इस राउंड में सिर्फ कोडिंग राउंड ही नहीं होगा, ये V4 असेसमेंट आपको दो राउंड मिलके है। पहला राउंड आपका MCQs है और दूसरा इसका है कोडिंग। इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे MCQs में, कितने क्वेश्चंस होंगे कोडिंग में, हम आपको ये सारे अभी बताएंगे। दूसरा अगर आप देखोगे पॉइंट है, V4 इज़ नॉट एन एलिमिनेशन राउंड। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। V4 राउंड जो है आपका एलिमिनेशन राउंड है। आपको केयर करके अच्छे से असेसमेंट आपको देना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। V4 असेसमेंट आपका क्या है, एलिमिनेशन राउंड है। आप इसे नोट कर ले और अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। दोस्तों, आप इस वीडियोस को अभी फटाक से आप शेयर कर दो, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि ये वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट की जो कन्फ्यूज़न है, आपके जूनियर्स होंगे, आपके क्लासमेट होंगे, उन सारे के कन्फ्यूज़न भी दूर हो सके। नेक्स्ट आप बात करोगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर V4 असेसमेंट, तो मैंने आपको वीडियोस में बता चुका है, V4 असेसमेंट के बाद आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका टेक महिंद्रा का टेक्निकल इंटरव्यू होगा, HR इंटरव्यू होगा, तो इस V4 असेसमेंट के बाद क्या है, डायरेक्ट आपकी इंटरव्यू है। हम लोग इस वीडियोज़ के लास्ट में बात करेंगे कि इसमें जो V4 असेसमेंट में जो कोडिंग होने वाला है, उसमें आपकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के टॉपिक्स रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि V4 में कितने क्वेश्चंस रहेंगे और क्या है। तो अगर आप देखोगे टोटल मैंने बताया है, टेक महिंद्रा के V4 असेसमेंट में दो राउंड होने वाले हैं, दो सेक्शंस होंगे, इवन राउंड नहीं, दो सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका MCQs होगा और दूसरा सेक्शंस कोडिंग होगा। अगर पहले सेक्शंस की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे, जो कि सारे MCQ क्वेश्चंस होंगे। और सेकेंड सेक्शन जो होगा कोडिंग का होगा, उसमें आपको एक क्वेश्चंस मिलेंगे।
एमसीक्यू क्वेश्चंस की पैटर्न्स की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको ये कम्प्लीटली टेक्निकल होगा, और इसमें आपको बेसिक्स ऑफ सी, सी प्लस प्लस, जावा, उप्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, लाइनेक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ कमांड्स वगैरह, रिमूव डिलीट कमांड्स वगैरह रहेंगे, एमएस ऑफिस के आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लाइक कॉपी पेस्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट एंड इस तरह के क्वेश्चंस, आरडीएमएस के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जॉइंस क्या होते हैं, या फिर DDL कमांड्स, DML कमांड्स, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किस कमांड्स के अंदर आता है, DDL या DML, ये सब सारे आपको बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप और अगर आप बात करो टॉपिक से तो नेटवर्क्स एंड कनेक्शन से रिलेटेड भी आपको हो सकते हैं क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकते नहीं रहेंगे, इसमें क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे सारे MCQs फॉर्म में, और जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसको हम लोग बेसिक कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस भी इसमें शामिल रहेंगे। कोडिंग राउंड की बात करें तो आपको कोडिंग मेजरली डिपेंड करेगा आपका एरेज और स्ट्रिंग पे, और ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस रहेगा, बेसिक्स ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। इवन अगर आप देखो तो टेक महिंद्रा का बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा हुआ है जो आपको कम्प्लीटली लूप बेस्ड हुआ है। सो ये आपका बेसिक क्वेश्चंस होने वाला है कोडिंग का, और एमसीक्यू क्वेश्चंस का मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको इस सारे का प्रिपरेशन अच्छे से करना है। और जैसा कि आप देखोगे मैंने इससे पहले भी टेक महिंद्रा के वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं कोडिंग से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब चैनल, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एरे के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, इनके स्ट्रिंग के किस तरह के क्वेश्चंस ये पूछते हैं। कोडिंग में मेजरली अगर आप देखोगे तो एरे, स्ट्रिंग एंड लूप के रिलेटेड ही क्वेश्चंस इनका आता है। लूप मतलब अगर हम कह रहे हैं कि लूप, आप एरे यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स लूप यूज़ करोगे ही करोगे, बट बेसिक होता है कि कुछ क्वेश्चंस की बेसिक कम्प्लीटली लॉजिकल होते हैं, तो जिसको आप लूप लगा के या फिर बेसिक्स आप इम्प्लीमेंटेशन करके सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरह के इनके क्वेश्चंस रहते हैं। सो दोस्तों आप कमेंट करके आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें बता सकते हो, आपको ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आपने असेसमेंट दिया है तो आपने असेसमेंट कब दिया है, आपका असेसमेंट कब शेड्यूल हुआ है, आप हमें ये सब कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।